बिल्कुल किसी ने नहीं जी आना। मैं तुम्हें दसा अगर आज 1000 बंदे को बुलाया था तो जो नहीं आए वो नुकसान में, क्योंकि वो ये समझते हैं कि असी अपने मस्ते हैं। डालो वाली एक मिसाल बनेगा, पूरी दुनिया में डालो वाली पहचाना जाएगा। तो फिर किसके वास्ते करना जे? अपने वास्ते करना जे, अपनी मदद आप दे तहत करना जे, क्योंकि कोई भी तुहाडे नाल रल के किसी भी जाएगा नहीं। इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस दे विच के साडी बत्ती खराब है, कल्ले कल्ले जाओगे। जब यूनिटी बनेगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दीन एक जमात के साथ है। जदों जमात नहीं तो तुसी कल्ले कख नहीं, मैं तुहानू दसदा। एक यूनिटी के साथ आओ, और आपको फख्र होना चाहिए कि डालो वाली की जो वेलफेयर सोसाइटी है वो दुनिया की ताकतवर सोसाइटी बनने जा रही है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि मिल के काम करो। कौसम की फरमाते ने कि मुसलमान एक जिसम की मानंद है, उदा एक हिस्सा दर्द करता तो पूरा शरीर दर्द करता है, तो तुहाडा नहीं करता दर्द? तुहाडा दिल नहीं करता कि यार मेरा सहाया गरीब? तुहाडा दिल नहीं करता कि यार इन्हू सब तो पहले इन्हू बनाइए? जो सर ने कहा है कि सबसे पहले फॉर्चूनर आती है, स्पोर्टेज आती है, तो असं लै लें यार। फॉर्चूनर तो स्पोर्टर का वो मजा नहीं। असि यह कपड़े पाए थे नॉन मुस्लिम वहाड़ वास्ते कि अल्लाह तला ने सानू दीन दिता है, सब तो अमीर दीन दिता है, लेकिन वर्ल्ड के सोमन हमारा दीन गरीब दीन नहीं, अमीर तरीन दीन है। कि हाले तक हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा दे बताए हुए तरीके जड़े ने गैर मुस्लिम फॉलो करते हैं कि नहीं फॉलो करते? जस्टिस लेके आना सोसाइटी में करते हैं कि नहीं करते? सीरत चो लिया, कुरान चो लिया, अहादीस चो लिया, और कितों लिया? इन शॉर्ट मेरे प्यारे भाई, खंजर चले किसी के दिल पर, तड़पते हैं हम मीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। मैं एक कुरान पाक दी आयत तलावत कीती तो मैं दस दिता कि वंड दे सारा कुछ अल्लाह की राह दे विच। ते फिर मनु कोई एक बंदा अपनी सोसाइटी च दसो कि यार अल्लाह की राह च खर्च करता पे, इहदे कोल खाणा से कख नहीं, ओए दुनिया का अमीर तरीन शख्स है जिहड़ा अल्लाह की राह च खर्च करता। कोई भुखिया नहीं मरिया कदी भी अल्लाह च राह दिंदे हुंदे आ। यही तो कुर्बानी तुहाडी, हायरुन नास मैं यनफाउन नास। आप सरसन फरमाने तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों के काम आए। तुम में से सुपरलेटिव एडजेक्टिव चीज में भी कहता हूं कि हम जो कुछ भी करते हैं वो तसल्ली के लिए करते हैं, वो सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। 1 करोड़ हासिल करने से भी सेटिस्फेक्शन आती है, और 1 रुपया हासिल करने से भी सेटिस्फेक्शन आती है। वो तरीके सीखे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके थे, वो देने वालों में से। लोगों के लिए जिए, लोगों के लिए जिए, लोगों के लिए मरे। उनको दर्द था। डालो वाली के इंसान, डालो वाली के मुसलमान, डालो वाली के बहन भाई अपने बहन भाइयों के लिए दर्द महसूस करें। और अब मैं जाती दफा ये सारा कुछ बताता चलूं। सारी दुनिया की वेलफेयर सोसाइटी इकट्ठी हो जाने के बावजूद भी इस दुनिया में अमन नहीं आएगा। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, सारी दुनिया की वेलफेयर सोसाइटी बनने के बावजूद भी इस दुनिया में अमन नहीं आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब जमात नहीं बनी थी तो अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए एक जमात बनाई थी, लेकिन दिखने में आया कि सिर्फ जमात से ये काम नहीं बन रहा, वेलफेयर सोसाइटी से ये काम नहीं बनता, तो फिर क्या किया? एक निजाम, रब्बी निजाम। रब्बी निजाम होना जे ते फिर काम बढ़ना जे, भावें सारा कुछ कर लो कख हाथ नहीं जी आना। वो निजाम आपका सबसे पहले आपका आईली निजाम, तुहाडे घरां दे विच अल्लाह दा निजाम लागू होना चाहिए, फिर तुहाडे मुआशरे दे विच अल्लाह दा निजाम लागू होना चाहिए, ते फिर तुहाडा सियासी निजाम। जिन्नी देर तक अल्लाह दा निजाम नहीं होएगा दुनिया दे विच तरक्की नहीं आनी, भावें जो मर्जी कर लो। उन्हें होना कि ये होना है तालीम के साथ। जितनी देर तक तालीम को अहमियत नहीं दी जाएगी मेरे प्यारे भाइयों, सारी जिंदगी करते रहो ऐ वाले काम, बैलेंस नहीं जी आना सोसाइटी में। इतनी सी बात है जिसके लिए कहा गया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अगर नहीं यार दाढ़ी रखना फर्ज है, रोजे रखना फर्ज है, नबी ने इस बयान की थी, कोई गलती नहीं की थी किसी और बंदे ने, तो किन्ने बंदे इस फर्ज के पिछे लगे? असीं अपनी कुड़ियां नूं पढ़ांदे नहीं, एफ ए करा के कहने घर बह तेरा विआह करना, बी ए करा के घर बह तेरा विआह करना,
ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ? ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੀਜੀਏ ਕਹਾਂ ਪਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਬਾਰਕੋਡ ਚ ਸਵਾਏ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਈਬੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ? ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਹੈ? ਯੂਟਿਊਬ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਮਰ ਗਈ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਈਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਕੀ? ਐਟਮ ਬੰਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਸੋਚਣੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਤਾਲੀਮ ਕੋ ਆਮ ਕਰੋ। ਉਸ ਤਾਲੀਮ ਉਸ ਇਦਾਰੇ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਝੇ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਮੇ ਕੈਪਟਨ ਯਾਸਿਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਸਰ ਯਾਸਿਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਅਭੀ ਤੱਕ ਉਸਕੀ ਹਸਤਾ ਹਾਲਤ, ਉਸਮੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਿਆ ਹੈ? ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟਾਟ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੁਰਸੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਏ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਅਗਰ ਕੱਚੀ ਪੈਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਟ ਕਰ ਸੜੇ। ਵੋ ਏਰੀਆ ਵੋ ਇਦਾਰਾ ਵੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਹਾਂ ਪੇ ਹਮਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 32 ਦਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ 33 ਦਸਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੋ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਆ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, 86 ਕਰੋਲਾ ਬੋਲੋ, 86 ਕਰੋਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 86 ਕਰੋਲਾ, ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵੜਨਾ ਚਾਹਤੇ। ਘਰ ਡਿਸ਼ ਲਵਾਈ ਦੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਡਿਸ਼ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਵਾਈਫਾਈ ਲਵਾਇਆ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਲਿਆ ਦਵੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਗੋਲ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੁੱਟ ਭੰਨ ਸੜਿਆ, ਆਪਨੇ ਉਸਕੋ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਆ? ਆਪਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਇਨਵਰਟਰ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਏ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵਿੰਡੋ ਏ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਸਕੋ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਆ ਹਮਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਦਾਰਸ ਕੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਮਸਾਜਿਦ ਕੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਾਨਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋ ਦੇਖ ਲੀਜੀਏ ਕਿੱਥੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਹਦੀਸ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋ ਦੇਖ ਲੀਜੀਏ ਕਿੱਥੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਤੋ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੋਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤਾ ਚਲੂ, ਉਸਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਉਸਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਮਕਸਦ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਕੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ੀ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ੀ, ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਦੀਨ ਦੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤਾ ਚਲੂ ਕਿ ਆਪਕਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਆਪਕੇ ਘਰੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਬਲੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਰਾਜੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ, ਨਬੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਹਦੀ ਅਕੀਦਤ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣ ਵਜਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਕਿਆ ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਤਾਂ ਨਿਰਹਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਆਪ ਕਿਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਆਪਕਾ ਹਮਾਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੈ ਨੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ। ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਹਰਮ ਕੀ ਪਾਸਬਾਨੀ ਕੇ ਲਈ ਕੀ ਕਾਇਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਲਾਮਾ? ਏਕ ਹੋ ਮੁਸਲਿਮ ਹਰਮ ਕੀ ਪਾਸਬਾਨੀ ਕੇ ਲਈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਕਿਦੋਂ ਨਾ ਇਕੱਠੇ। ਅਬ ਜੋ ਜੰਗੇ ਹੈ ਉਹ ਤੋਪੋਂ ਬੰਦੂਕੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੁਹੱਬਤ। ਆਪਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਯੋਮੇ ਹਸ਼ਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਕੀ ਤੀਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਲੈਵਲ ਮੇ ਪਾਸ ਉਸਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਮ ਹੋਤਾ ਹੁਆ ਦੇਖੋ ਤੋ ਆਪਣੇ ਹਾਥ ਸੇ ਰੋਕੋ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੇ ਰੋਕੋ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਮੇ ਬੁਰਾ ਜਾਨੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੇਟਸ ਲਾਏ ਨਾ ਕਿ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਯਾਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਊਦੀਆ ਪਾਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ,
तकलीफ इसलिए ज्यादा है क्योंकि चंगा भला मोल नहीं बनता जो गलत पास आएगा, दुख उस चीज का आएगा, दुख उदा नहीं होगा जो पहले ही शहर में। आइए अपने ईमान को बचाए, आइए अपने डालोवाली को बचाए, आइए अपनी इंसानियत को बचाए, आए मिलके एक हो जाए। फिर मैं कहता हूं कि किसे दे उते हंजर चले तो तू क्यों नहीं तड़पता, सड़क दे उते अगर कोई बंदा डिगया तो तू रुकिया क्यों नहीं, तेरा बच्चा होता तू सारे काम छड़दा, लाहौर अगर तू बम धमाका होया तो तेन तकलीफ क्यों नहीं हुई, तू चैनल चेंज क्यों कर देता। अब इस पे नजर दौड़ाई, ये तालीम वाली बच्ची ये नहीं चाहती कि मेरे सामने टैब हो, एदा हक नहीं, कौन दिलवाएगा, साढ़े तो है ना मोबाइल फोन, अगे टुर जाओ, वह बेचारी सिलाई मशीन, दुनिया तरक्की कर रही है ध्यान ले भी असं सिलाई मशीन देने लोगों सिलाई मशीन दे के बेचारी को मिलेगा की उन्होंने 200 रुपया सिलाई 300 रुपया सिलाई, उन्होंने अमेजॉन क्यों नहीं सिखाते। मैं नहीं ये कह रहा कि आपकी वेलफेयर सोसाइटी ये नहीं कर रही, कर रही, मैं ओवरऑल मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने भी किसी की हेल्प करनी तो सिलाई मशीन दे देनी, कंप्यूटर क्यों नहीं देती, वाईफाई क्यों नहीं लिया देती, क्या वह दो अखा नहीं, क्या उसमें वो समात नहीं। मैं बेचारा जो तुम ब्याह कर देते हैं ठीक है अच्छी गल, लेकिन उन्हें जी डायरेक्शन सिमत है उन्होंने की दिता, कोई टेक्निकल एजुकेशन दी, कोई उन्होंने सिखाया जी आइंदा आने वाले दिनों में आपके इस खेतों में लोग काम नहीं करेंगे, यहां पर रोबोट्स काम करेंगे। मैं बेचारे तड़प देने पे, मैं डालो वाले की मैं बात नहीं करता, यकीन करो सियालकोट बहुत पै जाओ तो डॉक्टर कहें लाहौर ला जाओ, लाहौर वाला कहें कराची ला जाओ, कराची वाला कहें बहर ला जाओ। अगर आपकी बुनियादी आपके पास सहूलियात नहीं है तो फिर सानू डुब मरना चाहिए यार, साढ़े को जहाज तो नहीं है कि साड़ी मां को अगर कोई तकलीफ होगी तो चुक के असी सऊदी अफ्रीका अमरीका ला जाएंगे, असी भी इन्हें सड़क रस्ते जाना है। आप नहीं चाहते कि डालोवाली में एक बेहतरीन हस्पताल हो, आप नहीं चाहते डालोवाली में बेहतरीन एक यूनिवर्सिटी हो, क्यों नहीं चाहते, आप नहीं चाहते डालोवाली में बेहतरीन स्टेडियम हो, यार नहीं चाहते तो फिर ठीक है, अल्लाह कहना जिंदा तुम तू सोच तेन फिर मैं उन्हें देना कि मैं तुम मेरिकल के जरिए मोर्जा करके इतने मैं तुम स्टेडियम बना देव या अस्पताल बना देव, ठीक है यार तुर जाएंगे थोड़ा जि अगे जाके अदरीस अस्पताल चला जाएंगे, नहीं तो थोड़ा अगे जाके हो किसी और प्राइवेट अस्पताल चला जाएंगे। आपने इसको बदलना है, आप में से ही कोई कायद उठना है, मैं जहां जाऊंगा आपको झंझोड़ूंगा, मतलब सानू की यार असी अपने से अपने आपका पे डिसाइड करने हैं कि वो करे इमरान खान करे सारा कुछ सानू की रेवोल्यूशन आप क्यों नहीं करा सकते, मतलब आप सिर्फ इसलिए बैठे हो कि या अल्लाह बदल पा या अल्लाह बदल पा या अल्लाह कोई एम्बुलेंस भेज या अल्लाह कोई एम्बुलेंस भेज, तो करना कख नहीं, कुछ करना है तो बनना है, कुछ करना है तो बनना है। आए सोचे आज के दिन कि एक बंदा उठ के कहे, एक तो वेलफेयर सोसाइटी का काम बहुत अच्छा है इसको आगे लेके चले, लेकिन ये कितनी देर तक चलेगा जब तक एक निजाम नहीं लेकर आएंगे। आप एक तालीमी इदारा यहां पर बनाए जहां पे आपके डालो वाले के सब बच्चे यहां पर पढ़े, और पढ़ने के बाद जब सोसाइटी में आए तो पता चले कि यार एक डालो वाले का एक बंदा पढ़िया जावे, और जाके देख यार कैसी सोसाइटी ने बना ली, स्विट्जरलैंड किन्ना जे है, पाकिस्तान दौरे चौथा ही साल स्विट्जरलैंड, तो देखो दुनिया कैसी, अपनी मदद आपके तहत कितने पहुंच गए, उतने भी इंसान वास्ते सानू की, हमें क्या मसला, हमें सिर्फ इतना मसला है कि सवेरे उठना ते काम ते जाना, काम तो आना ते घर वापस पिंड वापस आना, में दैट्स इट, मुझे बस इन्नी सैलरी चाहिए, उस तो बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं काउंसलर बन जाता यार, 70 साल हो गए ने काउंसलर ने साडे इत्थे पाकिस्तान दे विच, 70 साल हो गए ने हुकूमतें बदल रही हैं, बदला है तो तू नहीं बदला, तेरी सोच नहीं बदली, ना तेरे बच्चों की सोच बदलेगी, क्योंकि हम दूसरों पर रिलाय करते हैं, मेरे जवान बच्चों आज तो जाके अपना किबला दुरुस्त करो, देखो तालीम इंसान को कहां तक लेके जाती है, तालीम है तो थोड़े हाथ में मोबाइल फोन फड़ा था जो तुम दसता जावा, जहालत है तो हाथ हाली तालीम ना नहीं ना सारा कुछ है, माइक्रोफोन है कितों आया तलीम दे नाल, एड़ा स्पीकर कितों आया तलीम दे नाल, एड़ी लाइट लगी थी कितों आई है तलीम दे नाल, एड़ा ट्रैक्टर तुहाड़ियां पैलियां च फिरदा कितों आया तलीम दे नाल, एड़ा थ्रैशर कितों आया तलीम दे नाल, एड़ी गड्डी खलोती थी कितों आई है तलीम दे नाल, तुहाड़े कपड़े जिहड़े सीते दे ने कितों आए तलीम दे नाल,
कुर्सियां कितों बनिया ने तलीम के नाल तलीम 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 ते साडी तलीम खोखली वो तालीम है जो हमारे अजहान में उतरती है पूरे शरीर को बदलती है ते साडे सुबह और शाम और दोपहर के मामला देख लो मेरे प्यारे भाइयों कि असी तालीम दे विच किन्ना अंदर आ कुरान नूं असी किन्ना खंगालने आ हदीस नूं किन्ना खंगालने दुनियावी तालीम को चलो मैं कुरान ते हदीस की गल नहीं करदा थोड़ा पढ़ लेते हैं चलो ठीक है इन्ना नहीं काफी लेकिन जिन्हें तुहानूं जिंदगी देनी है यार वैक्सीन ना होती पाकिस्तान मर गया होता पाकिस्तान की तालीम होती सब तो पहले वैक्सीन पाकिस्तान बढ़ती पाकिस्तान की तालीम होंगी तो मारे मारे साड़ियां भैन जड़िया ने अस्पताल के बाहर डिलीवरी ना होंगी सोचो हाले भी अखा खोल लवो यार हाले भी अखा खोल लवो कितनी देर पानी पियोगे तुम तो खुशकिस्मत तो पानी पी लवोगे टर्बाइना ला गए असं कि देर पानी पीवे शहर में असी कन्वर्ट हो गए थे मिनरल वाटर के उड़िया जी कणक ने थोड़े जो मुरग जो मुर्गियां खाते हो तोड़िया ताकत कितने जे गो तुम बड़े दीनदार हो अलहमदुल्ला लेकिन दीनदार होने के नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबीयत की साहबादी लड़ना किंजे एक जंग सी जी असी हार गए स वो सिर्फ तरबीयत की वजह नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमांडमेंट नूं फॉलो नहीं सी कीता नहीं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर बह के दुआ कर दे तो इंज दीन जड़ा है छा जांदा अल्लाह वास्ते कड़ी शाय मुश्किल इंज पैलियां दे विचों इंज अनाज उग पैंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निजाम दिता है तुहानू ते सानू झंझोड़िया है उठो मेरी दुनिया के मुसलमानों को जगा दो आपका डालो वाली का हर इंसान तहरीकी होना चाहिए तुहाडियां अखां विच लाली होनी चाहिए कि मैं चला शहर ए पिंड दी हातर मैं चला कम ए पिंड दी हातर ते देखो यार तुसी मरी नहीं जांदे तुसी कुआट नहीं जांदे तुसी दूजे शहर च नहीं जांदे वो चीजा लैन जिहड़ियां उत्थे मशहूर ने ते इत्थे डालो वाली किस शह की कमी बिजली नहीं अपनी बना लो तुहानू अल्लाह ने जिस्म दिता है मैं चैलेंज करना कि यार तुसी कर सकते हो असी कर सकते वी कैन डू इट हत्थां दे विच हत्थ पाओ हाँ तुहाडे चंद अफराद ने किन्नियां चीज़ां हुकूमत कोलों अपने कोल लै लईआं ने ते असी सिर्फ इतजाज करने हैं फेसबुक दे उपर सड़क बना दिओ सड़क बना दिओ सड़क बना दिओ नहीं बनदी यार आप ही बना लो साल दो साल फॉर्चूनर ना लवो इन्नी कु बना लवो कि टोयोटा बे सीधे हो जाण एक छोटी जी डिस्पेंसरी बना लवो मैं कहना सारिया गल्लां छड़ दिओ छोटा जा इदारा तलीमी इदारा बना लो वो तलीमी इदारे दे विच तलीम दो ते एक छोटा जा बीज वो मैं कहना यकीन करो मैं चैलेंज करना ते मैं सोचा ना भी कि बाहर दे मुल्क लोग तुहाडे मुल्क दे विच आके तलीम हासिल करन क्योंकि जो ताकत अलामा दे शाहीना कोल वे वो उन्हां कोल नहीं काके देखो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं इतना आम करे कि आपका हर शहरी एक फकीराना जिंदगी गुजारे अपने दूसरों के लिए मैंने एक और हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपकी मुफलसी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है तो ये ना हो कि डालो वाली का कोई इंसान कुफ्र की तरफ चला जाए कि उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु उनके दौर को याद करें कि खुद मारे मारे फिरते थे कि कोई भूखा ना सोए आज से डालो वाली का कोई बंदा भूखा नहीं सोएगा जो मैं पहनता हूं वो तू भी पहन क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है स्कूल में हर एक बच्चा यूनिफॉर्म पहनकर आता है कोई नहीं कह सकता कि अमीर है ये गरीब है इसी तरह डालो वाली का हर बंदा जब गुजरे कहीं से तो कोई कहे ना कि ये अमीर है या गरीब है हर एक के कपड़े एक जैसे हर एक की खुराक एक जैसी हर एक की सोच एक जैसी हर एक की ताकत एक जैसी हर एक की तालीम एक जैसी फौजियों जैसा यूनिफॉर्म पहना हो फौजियों जैसी परेड होती हो इंसानियत आम हो और कौन कर सकता है आप आइए मिलकर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें इस मकसद में कामयाब करे अल्लाह नूं हाजर नाज़र जान के नाते यही कहने हैं मैं तो बस अल्लाह तआला दा इन्ना शुक्र अदा करना वा कि मेरे हाल है कि मेरी फैमिली नूं बुजुर्ग जिहड़े ने ना काफी जिन्ने भी दोस्त वड्डे आए ने ये सारे जानते हैं कि मैं अपने कहते फलां बच्चा जी सोने का चमच ला के पैदा होया
मेरी 78 की विदाइश है, तो मैं जो पैदा होया ना, मैं सोने का चमच लैके पैदा होया हाँ। लेकिन एक टाइम इस तरह का भी आ गया सी कि कोई मेहमान आता हों ना, जो सर तुम बहू रिवी ने तुम सारे जानते हो, तो खुदा शायद है कि इन्हें हों कि यार इस मेहमान वास्ते बोतल कितों लियानी है। तो मेरे मालक का करम है कि अल्लाह तला ने लैन वाले साफ चू कड़ के देने वाले साफ चू खिलाफ दिता है। यह मेरे मालक का करम है, तो सू भुलना नहीं चाहिए। शुक्र की गल का असी हूँ असं यह चाहते हैं कि जी सा एक नसल सर कश साहब, मैं बड़े सूखत नाल बड़े वे जानते ने मेरे वाल मेरे दादा बू, मेरा दादा बू बी एस सी उन्होंने किया गोरे का टाइम का, एक साड़ी बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली सी। लेकिन एक टाइम वो उतार चढ़ाव आता ना, साइकिल का टायर जिस तरह तारा होंगे ने उत्ते थले होंगे रहा।